Hello students, in this session we will see what is relational operator and what is logical operator and how we can use them together, because they are basically used together. How and why, let us try to understand. So first let us see what is a relational operator. So relational operators, look at this, are such operators which shows you the relation. And here you can see a nice piece of example is also there in front of you. Look at this example, and this may solve most of your queries. Look at this. Most of the time you have seen a relational operator being used with if condition. Like we normally use like this, if A is greater than B, then do this or like that. First of all, let me tell you, equal to, this is to check whether the number is equal to, this is not equal to, okay. Better you see it here. Look at this. This is equal to, this is not equal to. If you want to check whether this is not equal to that, then if you have to do something, then it's less than, it's greater than, it's less than equal to, and greater than equal to. So these are the relational operator. But what I was telling you, that we normally use what? A relational operator with if condition. Normally we do that. Why do we do that? Because we know that in case if this will be true, then the task which is given inside the if condition, any task could be there, then this task will be done. These instructions will be executed. When it will be executed? When this condition will be true. Okay. Tab ye kaam hoga. Agar ye false hoga, to ye kaam nahi hoga. Ab aaiye aapko main dikhlata hu dusra example, jahan par hum is tarah se bhi likh sakte hain. You know what will happen if you'll write something like this, system dot 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 println a equals b. Ye true or false mein aapko output dega. अगर ए बी के बराबर होगा तो वो ट्रू होगा, और नहीं होगा तो फॉल्स होगा. लेट अस सी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. सो हियर ए इज 7 एंड बी इज 11. तो क्या ए बी के बराबर है? फॉल्स. तो ये आउटपुट में फॉल्स, आपके आउटपुट स्क्रीन पे फॉल्स दिखेगा. क्या ए इज नॉट इक्वल टू बी? यस, ट्रू. देखिए कमेंट में डाल के बता भी रहा है कि ये ट्रू है, क्योंकि ए इज नॉट इक्वल टू बी. क्या ए इज ग्रेटर देन बी? नो, ए इज 7 व्हिच इज नॉट ग्रेटर, सो ए फॉल्स हो गया, तो फॉल्स दिखा रहा है. इज ए लेस देन, ये ट्रू. ग्रेटर देन इक्वल टू बी, फॉल्स, नो, एंड लेस देन इक्वल टू ट्रू. तो इस तरह से हमारा रिलेशनल ऑपरेटर काम करता है. अब हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को थोड़ा समझते हैं. जैसे ये देखिए, ये है हमारा डबल एम्परसेंड. दो बार लिखते हैं इसको, ऐसा नहीं कि ये फिर दो लिखा हुआ तो कंफ्यूज नहीं होना, दो ही लिखा जाता है इसको, ठीक है, अगर हम इसे लॉजिकल ऑपरेटर की तरह यूज करना चाहते हैं. तो इसमें हम लोग करते क्या है कि ध्यान से देखिए, हम लोग एक एक्सप्रेशन लिखते हैं और फिर साथ में दूसरा एक्सप्रेशन भी लिखते हैं. एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? ये देखिए, यहां ऊपर समझिए, ये इस तरह का चीज एक्सप्रेशन हो गया. तो ये पहला एक्सप्रेशन हो गया, ये दूसरा एक्सप्रेशन हो गया. तो हम इस तरह से दो या उससे भी ज्यादा एक्सप्रेशन को एक साथ लिख सकते हैं. फिलहाल आप दो से समझिए, एक पहला एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. किस तरह का एक्सप्रेशन लिखना है हमें? एक रिलेशनल एक्सप्रेशन लिखना है जिसका रिजल्ट बूलियन वैल्यू में आए. यहां पे एक्सप्रेशन जो है ये हमारा ट्रू फॉल्स में आना चाहिए, ऐसा ही एक्सप्रेशन आपको यहां लिखना है. तो ये कह रहा है कि अगर हम दो एक्सप्रेशन दिए हैं, ये ट्रू तभी होगा इफ बोथ एक्सप्रेशन 1 एंड 2 आर ट्रू. अगर दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा. अगर हमने और लगाया है, और ये पाइप साइन इसे कहते हैं, डबल पाइप साइन, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है लॉजिकल और ऑपरेटर. तो एक्सप्रेशन वही, हमें बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है, रिलेशनल एक्सप्रेशन जिसका अल्टीमेट रिजल्ट ट्रू फॉल्स में है. तो ये दो में से कोई एक भी ट्रू होगा, इफ आइदर एक्सप्रेशन 1 और 2, एक्सप्रेशन 2 इज ट्रू, तो ये ओवरऑल ट्रू माना जाएगा. ये एंड और में यही अंतर होता है. अगर हम एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर लगा रहे हैं और हम दो या दो से ज्यादा एक्सप्रेशंस दे रहे हैं, तो एंड ऑपरेटर अगर लगा हुआ है तो इसका सीधा मतलब है कि सारे एक्सप्रेशंस, दो हो या 200 हो, 200 मतलब 200 एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है,
एंड दिस एंड दिस करते हुए बहुत सारा हो सकता है, तो वो सबका ट्रू होना जरूरी है। 200 भी एक्सप्रेशन है, अगर एक भी फॉल्स है तो फिर ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। यानी कि एंड ऑपरेटर का काम यह है कि जितना भी एक्सप्रेशन है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है वो सबका ट्रू होना चाहिए, तभी वो ओवरऑल ट्रू माना जाएगा या ट्रू होगा। और में क्या है कि अगर 2 या 200 या और भी अगर एक्सप्रेशन है उसमें एक भी ट्रू है, इवन वन इज ट्रू, दिस और दिस और दिस और दिस एनी वन इज ट्रू, देन ओवरऑल ये ट्रू माना जाता है। और लॉजिकल एंड क्या करता है, लॉजिकल नॉट क्या करता है, ये ट्रू को फॉल्स में बदल देता है, फॉल्स को ट्रू में बदल देता है। फर्स्ट राउंड में कंफ्यूजिंग लगता होगा आपको, बट ये है बहुत आसान। यानी अगर आपको ट्रू को फॉल्स में तब्दील करना है किसी भी वजह से, या फॉल्स को ट्रू में तब्दील करना है, तो हम नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ये सिनेरियो या सीन ये कभी कभी यूज होता है, इसलिए हम बहुत ज्यादा इसे नहीं देखते हैं। फिर भी लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद हेल्प ऑफ एग्जांपल, वेयर ओनली टू एक्सप्रेशंस आर देयर। आप ज्यादा एक्सप्रेशंस भी यूज कर सकते हैं, हाँ ज्यादा करके देखना है आपको प्रैक्टिकल। देखिए पहला एक्सप्रेशन है 5 is greater than 3, तो क्या 5 is greater than 3? यस, ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है। अब दूसरा एक्सप्रेशन देखते हैं, क्या 8 is greater than 5? यस, ये भी ट्रू है। तो ये भी ट्रू और ये भी ट्रू, और बीच में क्या है, बीच में है एंड ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर क्या है कि सारे एक्सप्रेशंस ट्रू होंगे तभी वो ट्रू होगा, सारे 2 हो 200 हो 2000 हो कोई मतलब नहीं उससे। तो ये दोनों ही एक्सप्रेशन ट्रू है, इसलिए ओवरऑल ट्रू हो जा रहा है। अब आइए, इज 5 is greater than 3? यस ट्रू। इज 8 less than 5? नो, एक फॉल्स हो गया, तो फिर ओवरऑल फॉल्स हो जाएगा। अब और का देखते हैं, क्या 5 is less than 3? नो, 5 is not less than 3, ये फॉल्स हो गया। क्या 8 is greater than 5? यस, एक ट्रू हो गया ना, तो एक भी ट्रू होगा तो ये ओवरऑल ट्रू माना जाएगा। द सेम वे इफ 5 is greater than 3, यस थ्री। क्या 8 is less than 5? नो, मगर एक ट्रू हुआ ना तो ये भी ट्रू हो गया। इज 5 less than 3? नो। इज 8 less than 5? नो, दोनों फॉल्स, तभी वो फॉल्स होगा, सारे के सारे फॉल्स होंगे तभी वो फॉल्स होगा। और में ये कहानी होता है, और एंड में क्या कहानी होता है, सारे के सारे ट्रू होंगे तो ही वो ट्रू होगा। और में क्या है कि सारे के सारे फॉल्स होंगे तो ही वो फॉल्स होगा। एंड में एक भी फॉल्स हो गया तो ओवरऑल फॉल्स हो गया, और में एक भी ट्रू हो गया तो ओवरऑल ट्रू हो गया। इसे आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप इसे बिल्कुल प्रैक्टिस करके सीख सकते हैं। अब नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल देखिए, इज 5 equal to 3? नो, मगर चूंकि इसमें नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ये एक सिंगल एक्सक्लेमेटर मार्क जो है ये है नॉट ऑपरेटर, तो ये उसे ट्रू कर दे रहा है। इज 5 equal to 3? नो, फॉल्स, बट चूंकि नॉट लगा हुआ है तो फॉल्स को वो ट्रू में बदल देता है और ट्रू को फॉल्स में बदल देता है, बस यही काम है। अब आप बोलिएगा क्यों बदल देता है, तो भाई यही इसी तरीके से इसे बनाया गया है, यही उसका प्रयोजन है। फॉर दिस पर्पस इट इज मेड, एंड इफ यू नीड समवेयर इन प्रोग्रामिंग यू कैन यूज इट, इफ यू डोंट डोंट यूज इट, डोंट बॉदर अबाउट दैट। Everything is given in programming. Whatever thing you need to use, they use, and otherwise just leave it. It's there. The facility is there. If you want to convert any true statement to false, then here see, is 5 greater than 3? Yes, it's greater than 3. It's true, but because of this not operator, it's getting false. True becomes false. False becomes true. So in this session, you have seen relational operators, different relational operators. If you have not understood, please review this. Once again, you watch the video. And watching video is not at all enough. I have said you this a number of times. You'll have to practice. The only way to learn is to practice. There's no other way. Combine this AND operator with a lot of expressions. And yes, you can combine AND as well as OR. I have uploaded another video where operators are discussed in detail. There you can find this with example and executions. These things are there. So thank you, dear students.